अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद शाइना। आज हम गर्मियों की सीजन की बना रहे हैं बहुत जबरदस्त किस्म की ठंडी ठंडी मीठी मीठी और खट्टी खट्टी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अब स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने की मैंने जो चीजें ली है मैं आपको बता दूं, ये मैंने 1 kg मैंने स्ट्रॉबेरी लिए, देखें ये धो के मैंने रख ली, इसके पत्ते हटा लिए मैंने, और ये मैंने 1/2 kg शुगर की लिए, और ये मैंने क्रीम लिया 1/2 पैकेट, और मैंने ये 1 कप दूध लिया है। सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ों से हमारी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी, 3 से 4 स्ट्रॉबेरी को लाएंगे 4 चीज़ें और वैसे 3 चीज़ें। आइए स्टार्ट करते हैं कंडेंस मिल्क बनाने के लिए। सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूँगी, देखिए सबसे पहले इसमें दूध डालूंगी इस पैन में मैं, ये दूध ऐड कर दिया मैंने 1 कप। अब इसके साथ ही मैं इसमें 1/2 प्याली शुगर इसमें ऐड कर दूंगी, ये देखिए 1/2 प्याली शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ साथ स्पून चलाती रुक के। फ्लेम मैंने हाई कर दी थोड़ी, देखिए कम से कम 5 से 10 मिनट में हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी हो गया हमारा, अभी ठंडा कर लेंगे इसको, ठंडा करने के बाद थोड़ा सा और थोड़ा थिक हो जाएगा ये। ये देखिए कंडेंस मिल्क जब तक हमारा ठंडा हो रहा है जब तक हम स्ट्रॉबेरी के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, क्योंकि हमारी आइसक्रीम में इसके स्ट्रॉबेरी के चम्स आने चाहिए और बहुत ही मजे की बहुत ही यम्मी बनेगी अगर इसकी चम्स आएंगे इसमें। ये देखिए स्ट्रॉबेरी का पेस्ट तो मैंने बना दिया बिल्कुल चंकी चंकी सा लग रहा है, और इधर मैं क्रीम बेक कर रही हूँ जब तक इतनी देर में, अभी झटपट में हमारी आइसक्रीम रेडी हुई है। ये देखिए जी, ये जो है ना ये एक ड्रॉप के कलर लाने के लिए कि और ज़्यादा खूबसूरती आ जाए ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में हमारे, इसलिए मैं 1 ड्रॉप इसका रेड कलर डाल रही हूँ इसमें। ये देखें सिर्फ 1 ड्रॉप की जरूरत है, ज़्यादा नहीं। अभी इसमें मैं कंडेंस मिल्क मिला रही हूँ, ये देखें अभी थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी इसमें, ये देखिए कल आ गया इसके अंदर। ये देखिए हमारी व्हिप से मैंने ये करी क्रीम, कितना ज़बरदस्त कलर आ गया, फ्लफी हो गई है पूरी और बहुत अच्छा कलर इसका आ गया। अभी सारे बैटर को मैं डाल दूंगी स्ट्रॉबेरी के पेस्ट में। ये देखिए सारी क्रीम में, अभी इसमें ये जो हमने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बना के रखा था इसके अंदर मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, ये देखिए ये देखिए जो हमारा आइसक्रीम मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया, अभी जाएगा आइसक्रीम बॉक्स में सारा। ये देखिए ये देखिए जो मैं प्लास्टिक से रैप कर दूंगी, सही से कवर कर दूंगी अच्छे से ताकि इसमें आइस ड्रॉप नहीं जा सके। ये देखिए मैंने सही से कवर कर दिया, अब इसको कवर कर रही हूँ ताकि इसमें आइस क्रिस्टल नहीं जा सके। तो मैं इसको रख रही हूँ 6 घंटे के लिए, अब मिलते हैं 6 घंटे में, रख रही हूँ मैं 6 घंटे के लिए। ये 6 घंटे हो चुके हैं, हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है, देखें अब मैं इसका कवर हटा रही हूँ, ये मैंने कवर इसका हटा दिया है। वाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम रेडी हुई है, ये देखें देखें कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है, वाह क्या सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है, देखें बिल्कुल। ये देखिए जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है, अब इसमें देखिए मैं स्ट्रॉबेरी लगा रही हूँ, ये मज़े की हमारी आइसक्रीम बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देखिए ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी हो गई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठंडी ठंडी मज़ा आ जाएगा खाने में। वाओ मैं टेस्ट कर रही हूँ, देखें ये प्यारे प्यारे व्यूअर्स आपके लिए, वाओ बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत मज़ा आ रहा खाने में, और मीठी मीठी खट्टी खट्टी ठंडी ठंडी हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। इंशाल्लाह आप नई रेसिपी से हाजिर होंगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।